गाइस, कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं कैसे मैं आ गई, टाटा। कितना खुश हो रही है। सो आज का वीडियो का जो मैंने प्लान बनाया है वो है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि कन्विंस करना सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमें कन्विंस करना है अपनी मदर इन लॉ को, मेरी मदर इन लॉ को और इसकी दादी को। तो कन्विंस किस लिए करना है हमें? क्योंकि आज पहले हमने किया था चाची का मेकअप और अभी अगर नहीं देखा तो वो जरूर चेक कीजिए, दादी का मेकअप। तो दादी अगर आप मनाया आपने अभी तक? नहीं, दादी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ढिल्लम ढिल्ली सी पड़ी है, बट हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं। उनको एक पता क्या है, उनको हर एक वीडियो पे होता है, लाइक्स तो आएंगे ना, लोग पसंद करेंगे कि नहीं। मैंने बोला उनको व्यूज का पता नहीं है, उनको लाइक्स का पता। तो बोलते हैं गाइस लाइक करना गाइस। तो अभी मम्मी नहा रही है, तो नहा के जब निकलेंगी तो हम लोग कन्विंस करेंगे। एक्चुअली ये करेगी, अगर आप चाहते हो कि मैं दादी पे प्रैंक करूं, बहुत जुतियां आपके कैमरे पे पड़ेगी। पंजाबी मदर्स भी लाइक, आपको पता है ना पंजाबी मॉम्स कैसी होती है। तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मेरे पास प्रैंक की लिस्ट वो देखो, मैं सीरियसली पहले 50 प्रैंक अपनी दादी पे कर चुकी हूँ और बहुत सारी डांट भी खा चुकी है। तो मैं लेके जाऊंगी दादी के पास कैमरा, और मुझे पता है कि जब दादी कैमरा देखती है तो दादी पक्का ही मान जाती है, बाकी तो माने ना माने, बट कैमरा के सामने दादी पक्का मानेगी। चलो गाइस अभी दादी के निकलने की वेट करते हैं। दादी हम आपका मेकअप करना चाहते हैं, प्लीज मान जाओ। ना ना आशा, तू तो मेरा मेकअप करा दे, कर देना। अरे नहीं नहीं करते। ना ना कुछ और ही बनाना, तो मैंने जिदा चाची ने किता बना। अच्छा नहीं करती प्लीज, छोड़ परे आशा। अच्छा प्लीज ना आके, अभी नहीं करती मेकअप खराब, प्लीज मान जाइए। ये इतना गुड़ा करता तो मैं फिर किद्दा करूंगी। नहीं 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 करते प्लीज। चल फिर देख ला, खराब ना करी पता। ओके यस गाइस, फाइनली दादी मान गई। तो आज हम करने वाले हैं दादी का मेकअप। सो पहले मैंने चाची के प्रोडक्ट्स चूज किए थे, आज मैंने मम्मी के लिए प्रोडक्ट्स चूज किए हैं। आप देख सकते हैं कैसा मेकअप करने वाले हो आप। दादी ने मुझे पहले बोल दिया कि मुझे भूत मत बनाना, और तुम वही बनाओगी मुझे पता है। नहीं 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 अच्छी है। चलो ठीक, कहाँ से स्टार्ट करोगे आज? सो जैसे मैंने पहले आपका स्टार्ट किया था, कंसीलर। कंसीलर से सीधा ही? अरे नहीं, कंसीलर नहीं, आई थिंक मैंने पहले मॉइस्चराइजर, ये लगा रहे हैं लॉरियल पैरिस। मेकअप के लिए पहले बहुत सारे वाह-वाह ये कि अच्छा मेकअप नहीं करा सकते इस हिसाब से। थैंक्स। तो सब जगह मन में आई थिंक गाइस मुझे मॉइस्चराइजर नहीं, मुझे पानी लग रहा है। हाँ इट्स लाइक वाटर बट इट्स रियली गुड, बट मैंने फिलहाल जितने देखे लॉरियल पैरिस के सभी प्रोडक्ट्स बढ़िया ही होते हैं। दादी अपने मन में सिर्फ राम 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 बोल रही है अभी। आज बच जाओ बस। सो देन सेकेंड मैं लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइजर, तो हो गया। अब मैं फाउंडेशन इसको बोलते हैं पंजाबी हिंदी मीडियम। क्या भूत नहीं बना दिया दादी को, अच्छी बनी थी। दादी अपनी पोती पे विश्वास रखो। विश्वास तो डामाडोल है। डामाडोल डामाडोल आ चुकी तो तेरे पे विश्वास है नहीं कुछ? नहीं है, मुझे भी नहीं है इस पे विश्वास। आज मैं सबको अपने ऊपर विश्वास दिला के रहूंगी, भूत बना के रहूंगी दादी को। नहीं नहीं अच्छा सुंदर बनाऊंगी, मुझे क्या काली पड़ी है दादी को भूत बनाने की। चाची को क्या कर दिया नहीं, लोगों ने बहुत पसंद करा, वो बोल रहे ऐसे मेकअप कर रहे हैं, एज के हिसाब से बहुत सही मेकअप किया है। अच्छा हाँ, मेरी एज के हिसाब से मेरा करना। सो फाउंडेशन हो गई है, अब मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन के ऊपर से पाउडर। पहले चाची ने मुझे बताया नहीं था, मैं भूल गई थी प्रोडक्ट्स चूज करना उसमें से बनाना पाउडर, बट आज मैं नहीं भूल रही हूँ, आज मैं लेके आई हूँ। पता नहीं कौन सा इसका नाम बनना है,
और बनाना पाउडर है ये। लगाओगे किसके साथ इसको? बनाना पाउडर, ये फाउंडेशन जब लगाते हैं ना फाउंडेशन के ऊपर से लगाते हैं इसको। बनाना खाने वाला पाउडर बनाते हैं ये लोग पाउडर हाँ फाउंडेशन के ऊपर। अब ना मुझे इतना मेकअप के बारे में पता है ना दादी को। तुम्हें तो सब पता है, दादी को फिर भी कम पता है, तुम्हें सब पता है। इसका टेस्ट भी मीठा तो नहीं होगा। दादी को टेस्ट की पहली पड़ गई है। केले में मीठा ही होता है। केले का मीठा। ये है कंसीलर जो आपकी यहाँ पे आईज पे ब्लैक हुए ना ये उसको गायब कर देगा, डार्क सर्कल्स जिन्हें बोलते हैं। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए गैप। एक मिनट, नहीं नहीं मेकअप के अंदर बस गायब हो जाते हैं। अच्छा, वो गाना था ना एक, ये धोखे मेकअप के धोखे। अभी स्पंज से हम आपकी डार्क सर्कल्स को गायब कर देंगे। मेरे तो जिस दिन से तुमने गायब करे है ना पक्के हो गए गायब। मेरे भी ऐसे हो जाएगा, कितना अच्छा हो गया ना। तो नेक्स्ट मैं लगाने वाली हूँ आई शेडो। आई शेडो इसका भी मुझे कोई पता नहीं नाम क्या चीज है। मॉडर्न रेनेसेंस। नाइस। कौन सा कलर शेड चूज करा है दादी? आज मैं लगाने वाली हूँ जिसे वो शेड लगाओ जिससे तुम्हें जुतियां ना पड़े। तनु केड़ा कलर पसंद है? किस पे लगाना? आइस पे। आइस पे आई मैं चूज कर रही हूं। हां ठीक है ना, ये वाला हां रेड ओशर। ओशर वाला कलर दादी ने चूज किया है, सो लगाते हैं। दादी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये दादी की आंखें इतनी छोटी है ना कि आई शेडो लगाना थोड़ा मुश्किल है। उम्र के हिसाब से हो गई, पहले थोड़ी छोटी थी है? पहले तो बड़ी थी। ऐसा करो आंखें बड़ी बड़ी लगे ना। सो आई शेडो तो दादी का हो गया है। दादी की मुस्कान तो देखो। नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा। उसके बाद नहीं, पहले मैं आईलाइनर लगाऊंगी लैक्मे का। ये लाइनर होता है, आईलाइनर आईज के ऊपर लगाते हैं। इसके बाद जब ये आपकी लगता है ना आपको 5 मिनट आंख नहीं खोलनी होती, ठीक है? फिर जब आईलाइनर सूख जाए ना तभी आंख खोलनी चाहिए, नहीं तो पूरा ऊपर लग जाता है। आईलाइनर खोलिए, अपनी खूबसूरत आंखें खोलिए। अर्शन तेरे मुंह की हवा नाल पक्के दी हवा ठीक है पुत्र। तेरे मुंह की हवा तो हवा गर्म आई है। आईलाइनर गवा गरम हवा से सूखता है जल्दी। अच्छा, ये नहीं मेरे को ये पता नहीं था। अगर आपको ब्राइडल मेकअप चाहिए ना तो मेरे पास जरूर आना। वो तो आज मम्मी बताएंगे कि मेकअप करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं लगाने वाली हूँ लैश पैराडाइज का मस्कारा। वाह मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है लगाने से, तो अगर आप भी चाहते कि आपको डर ना लगे तो सबसे पहले मैं एक मिनट वेट लूंगी। ये कहाँ से सीखा ये चीज़ें? तो मुझे भी नहीं पता यार। दिमाग, do you know my big brain? Yes. मैं गेम खेलता हूँ उसका नाम है ब्रेन आउट, उससे मेरा ब्रेन आउट हो जाता है लेकिन मेरा दुनिया से आउट हो जाता मुझे लगता है। अच्छा वाह, मैं हाँ तो सही पहले मैं हाँ लग गया नहीं वैसे ठीक है फिर
यूं ही मत घबराया करो। आँख खोलिए दादी जी। लास्ट जो रह गया है, मैं एक बार दादी के पूरे मुंह पे एक बार पाउडर लगा दूं। एक बोलो बेसिस कनाडा का है। हाँ खोल लो, अब तक तो आईलाइनर बहुत ही आराम से सूख गया है। इस पे कोई नाम वगैरह तो लिखा नहीं हुआ है। इसका है बेनिफिट। वाओ, इससे क्या बेनिफिट होगा? आपकी गाल लाल लाल हो जाएंगी। स्माइल। पहले टैप टैप कर लूं। पहले तो मुझे, मैंने बोला कि एक पर्पल सा कलर है चाची के पास, मैंने बोला वो ले लेती हूँ। और मैंने बोला कि अगर मैंने गलती से भी दादी को थोड़ा जोकर बना दिया और ऊपर से मैंने लगा दी पर्पल लिपस्टिक, तो दादी पूरी जोकर बन जाएंगी। दादी का फेवरेट शेड है वो लिपस्टिक का, वो पर्पल सा जो आप लगा के भी बाहर घूमने जाते। मैं नहीं, मम्मी लगाते ना। हाँ मम्मी लगाते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? ये मम्मी की फेवरेट है ना? ये मम्मी की फेवरेट है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने मम्मी से छुप के बहुत बार इस लिपस्टिक को लगाते हुए देखा है। मतलब दादी तो पूछ के लाती, मैं उनको छुप के देखती हूँ। दादी ने कभी कोई काम बिना पूछे नहीं किया, सिवाय टॉयलेट जाने के। टॉयलेट किसी से पूछ के नहीं जाते। कहाँ से इतने डायलॉग निकालती हो? से स्माइल। आज पहली बार मेरी दादी ने ना, मेरी अज्जी ने आज पहली बार कंप्लीट मेकअप किया है। ये तो दादी सिर्फ काजल भी नहीं लगाती है। मेरी दादी सिर्फ, मेरी दादी लगाती है लिपस्टिक, क्रीम या कभी 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 पाउडर, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। जब शादी पे जाते तब ही बिल्कुल ऐसे तैयार शैर होकर जाते हैं। ऐसा ही है या लिपस्टिक तो हो गई मजेदार। ऊंट की तरह दानी बना दिए। एक सेकंड दादी, ओपन योर माउथ। ब्लैक ब्लैक मम्मी दे पूते बनाता मैंने ब्लैक लगा। आ इस पे टैप टैप। ये दादी की जो मुंह पे लगने वाली लिपस्टिक थी वो मैंने निकाल ली। वेरी नाइस। थोड़ी बहुत आपके दांतों पे लग गई है, उसका कोई बात नहीं। सो अभी मम्मी का क्लोज अप दिखाते हैं। मम्मी आईज नीचे बंद करो। वाह वी वाह, वेरी नाइस अर्श, थैंक यू सो मच। इज्जत रख ली। आई ट्राई माय बेस्ट। अभी गाइस हम जा रहे हैं रूम में दादी की कुर्ती चूज करने। क्या कुर्ती? अच्छा, क्योंकि दादी जी ने एक बोरिंग सी ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई है। बोरिंग है ये? मम्मी की तो कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लगे। सोनिया ने जाके देती है मम्मी, ये अच्छी है, बार बार यही पहन पानी है मैं। ओहो मम्मी, सो दादी का पहले ही सवाल है, बांदरी तो नहीं लग रही? नहीं दादी बहुत सुंदर लग रही है। हाँ इधर साइड दांत पे थोड़ा लिपस्टिक लगाया। प्रॉब्लम नहीं, वो तो लग ही जाता है कॉमन। तो देख सकते हैं मेरी दादी थोड़े बूढ़े से जवानी आ गई दादी की। तो अगर आपको मेरी दादी का मेकअप पसंद आया तो लाइक करना, और क्या करना? शेयर करना। हाँ सब्सक्राइब करना। दीपक चाचू से पूछना कि कैसा लग रहा है। चलिए अभी आप ये पर दीपक चाचू को बुला के लेके आओ। बुला के लेके दीपक आप आओ जरा। आप बताओ मम्मी को मार्क्स हो कि कितने मार्क्स है आउट ऑफ 10 दीपक? मार्क्स कितना था? मेकअप ओवरऑल आज ने रेडी करा है आउट ऑफ 10 3 है? इतने कम क्यों भी? चिट्टा चिट्टा जगह नहीं, इतना तो अच्छा करा है। हमारी एम्बर मार्क्स देगी। एम्बर तो कितना देगी? बाल थोड़े ठीक हो जाते थे इतने दिन, मतलब मैं देखा नहीं ना मम्मी ने मेकअप से। अच्छा, मैंने मम्मी को इतने मेकअप में देखा भी नहीं है, तो मेरे को तो अजीब सा ही लग रहा है। मुझे भी थोड़ा लग रहा है। 3 से भी 2.5 हो गया। ओ गॉड।
सो गाइज आपने मेकअप देखा है तो एक्चुअली अर्श और दादी बहुत ही क्लोज है. व्हेन अर्श वाज बोर्न तो तब से मम्मी इज टेकिंग केयर ऑफ अर्श. एक्चुअली मतलब फैमिली तो वहीं पे ही है इसके, अर्श के मम्मी पापा इकट्ठे सेम घर में रहते हैं. बट फर्स्ट बेबी था घर का तो काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड है और दादा दादी के पास काफ़ी ज़्यादा रही है. तो रहती तो अपने पेरेंट्स के साथ भी है बट मम्मी पापा का ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस भी है, ज़्यादा ये प्यार भी उनसे ज़्यादा करती है और जहाँ मम्मी जाते हैं तो साथ में जाती है, तो इन दोनों का बॉन्ड अलग ही है. तो डू लेट मी नो कैसी लगी वीडियो. आई नो थोड़ा सा मेकअप मम्मी के हिसाब से मुझे बाद में जब मम्मी कुर्ता पहन के आई तब थोड़ा सा लगा, अदरवाइज मेकअप वॉज गुड. सो अर्श बोलती है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अर्श भी जो वीडियो देखती है सुपरहिट वीडियोज जो लोगों की होती है वो इसलिए देखती है क्योंकि इसको लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं. तो आप भी शेयर कीजिए वीडियो को. या अभी मतलब गाइस एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अर्शप्रीत कौर 6077. प्लीज ये मेरी आईडी है, मुझे प्लीज फॉलो कर लो, मुझे कोई फॉलो नहीं करता. वही मैं बंद करवा रही हूँ. मैं गाइस इतनी अजीब हूँ मैं कि मेरे कोई फॉलोअर नहीं है, मुझे कोई फॉलो नहीं करता. तब करेंगे ठीक है, बाय गाइस.